नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वादिष्ट मिलेट पराठा मिलेट के आटे के साथ बनाना सीखेंगे। मिलेट्स फायदेमंद पदार्थों से भरपूर है, जैसे कि फाइबर, मिनरल्स, लिग्नन्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिससे कि हम अच्छी सेहत रख सकते हैं और कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। रागी, बाजरा, प्रोसो और ज्वार को न्यूट्रल मिलेट्स माना जाता है और यकीनन वो गेहूं और चावल से बेहतर हैं। पर पांच सिरी धान्य, सानवा, कुटकी, कोडो, काकुम और मकर या ब्राउन टॉप ही ऐसे मिलेट्स हैं जो कि बीमारी को जड़ से दूर कर देती हैं। इसीलिए उन्हें हमारे भोजन में शामिल करना बहुत ही फायदेमंद है। इस मिलेट के पराठे के लिए आप कोई भी मिलेट का आटा ले सकते हैं और इसमें बारीक या कुतरा की गई सब्जी कोई भी डाल सकते हैं। मैंने इस पराठे के लिए लिए चुकंदर के पत्ते, पालक, धनिया, हरा प्याज, लाल प्याज, हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन, काली मिर्च, नमक, एक बड़ा चम्मच बेसन, दो छोटे चम्मच तेल। फिर आप इसमें मिलेट का आटा मिला दें और साथ साथ तवे पर ही पानी गर्म करके थोड़ा थोड़ा डालते रहें और आटा गूंदें जब तक कि एक अच्छा पराठे का आटा नहीं बन जाता। फिर आप एक पराठे का आटा लें और उसे एक बटर पेपर पर रख के दबाकर अपने हाथों से फैलाएं जब तक कि आपकी पसंद का मोटा या पतला पराठा नहीं बन जाता। फिर उसे अपने हाथ पर लें, उठाकर कागज़ को और एक गर्म तवे पर डाल दें। तवे पे दो तीन बारी उल्टाएं ताकि बराबरी से दोनों साइड्स पक जाएं अच्छे से। पकाते वक्त आप इस पर घी या तेल अपनी पसंद का लगा सकते हैं और कुछ ही मिनटों में आपका स्वादिष्ट मिलेट पराठा तैयार। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, ये इतना स्वादिष्ट होता है, या फिर किसी रायता, दही या सब्जी या दाल के साथ।